नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं गतनवार हनुमान जी पर। देखिए देखिए मेरे पीछे देखिए, कैसा रास्ता है। ये मेरे साथ जा रही हैं, ये देखिए, ये हमारी पड़ोस में रहती हैं, भाभी रहती हैं, साथ जा रही हैं। यहाँ का हनुमान मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और गतन वाले हनुमान जी बोलते हैं। देखिए मैं आपको सैर कराऊंगी कैसा है। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं गतनवार हनुमान जी पर। देखिए देखिए मेरे पीछे देखिए, कैसा रास्ता है। ये मेरे साथ जा रही हैं, ये देखिए, ये हमारी पड़ोस में रहती हैं, भाभी रहती हैं, साथ जा रही हैं। यहाँ का हनुमान मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और गतन वाले हनुमान जी बोलते हैं। देखिए मैं आपको सैर कराऊंगी कैसा है। देखो दोस्तों, मैं जा रही हूँ, रास्ते में हूँ अभी। देखो रास्ता देखिए कैसा है, दिखा दी बता दी तो वही दिखाऊंगी। सांड भी दिख रहा है, देखिए कैसा है रास्ता। जंगल है बहुत, देखिए कैसा जंगल है। चंबल का जंगल है जी, सही बोल रही हैं। प्रसाद भी लाए हैं हमें, देखिए बूंदी है ये। ये देखो तारबंदी हो रखी है, स्कूल है जी। आ गए दोस्तों हम, दिखाई दे रहा है मंदिर का दरवाजा, गेट दिखाई दे रहा है रेड कलर में। सामने ऊंट भी जा रहा है, देखो उसको भी दर्शन करने हैं। वो भी भगवान से दूर रहना नहीं चाहता है। ये भगवान की मेहर है, देखो बहुत आउट में बने हुए हैं मंदिर है, जंगल के किनारे। पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो लोगों की आस्था बहुत जुड़ गई है यहाँ पे। ये इधर शनि देव का मंदिर है, इधर वो देखिए, ये बगीचा है। हाँ नमस्कार दोस्तों, ये है देखिए हनुमान जी का मंदिर। अब मैं दिखाऊंगी, ये हमारे यहाँ के पुजारी, ये हनुमान जी, यहाँ हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं बरामदे के बाहर। अंदर नहीं जाती हैं औरतें, अंदर आ जाऊँ। वैसे तो देखिए दोस्तों, ये हनुमान जी बहुत ज़्यादा इनकी प्रसिद्धि है और लोगों के काम भी बहुत बने हैं यहाँ पे आके। और मैंने सोचा यहाँ का वीडियो डाल देती हूँ। देखिए देखिए ये है, पास से दिखा रही हूँ। ये बहुत ही पुराना मंदिर है। कब का है पंडित जी, ये कितने साल हो गए होंगे इस मंदिर को? 700 साल मंदिर को हो गए दोस्तों। ये देखिए ये मंदिर काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा। हाँ थोड़ी सी पहले से थोड़ा सा मठी टाइप में बनी थी और ये मंदिर फिर उसको तोड़वा के बन गया है। अब देखो ये मूर्ति तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, 700-800 साल पुरानी है। देखिए ये भक्तजन आए हैं, प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं, मैंने भी चढ़ा दिया है। देखिए अब मैं पूरा मंदिर के दर्शन करवाऊँगी आपको।
देखिए ये कैसा गुम्बद सा बना है बाउंड्री पे। देखिए दोस्तों मेरा ये मंदिर जो है, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए मंदिर। अब मैं आपको ये बाउंड्री सी इसके ऊपर चढ़ के जंगल दिखाऊंगी। देखिए कैसा जंगल है, बहुत ही प्यारा है। किसी दिन मैं जंगल जाऊंगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कैसा हमारे यहाँ का जंगल है। ये चंबल के जंगल हैं दोस्तों, ये देखिए है ना, बहुत ही कुदरत का नज़ारा है। बढ़िया है, बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए और मैं नीचे आ रही हूँ। ये देखिए ये नीम के पेड़ खड़े हैं पीछे, और यहाँ पे लोग पैसे वगैरह चिपकाते हैं, कोई मनोकामना पूरी करते हैं कि जैसे ये मेरा काम बन जाए, तो यहाँ पैसे चिपका देते हैं, चिपक जाते हैं तो उनका काम बन जाता है दोस्तों। और यहाँ पे भी ये लोग पूजा पाठ कर देते हैं पीछे मंदिर के भी। ये देखिए अपने आप से ही गेट बन जाता है इधर ही था। ये देखिए कितना सुंदर है, ये चारों तरफ की परिक्रमा है दोस्तों। ये देखिए पेड़ पौधे बहुत ही सुंदर लगे हुए हैं। ये देखिए और यहाँ पे भक्तजन तो हमेशा बैठे ही रहते हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए ये खोल के दिखाती हूँ आपको। ये भी शायद लांगुर वीर वगैरह कोई है बैठे, और ये भोले बाबा हैं दोस्तों। ये नंदी महाराज बैठे हैं है ना, पूजा पाठ किए। और मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मंदिर का घंटा है, भक्तजन काफ़ी यहाँ पे बैठे रहते हैं, कीर्तन भजन होते रहते हैं। ये देखिए काफ़ी लोग बैठे हैं। देखिए पुजारी जी बैठे हैं यहाँ पे, हर मंगलवार शनिवार को कीर्तन होता रहता है यहाँ पे। ये देखिए और ये हम जा रहे हैं गार्डन में मंदिर का। ये देखिए दोस्तों ये है मैया का मंदिर। ये देखिए बंद है शटर अभी। नमस्कार दोस्तों, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अंत में श्री राधे राधे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं दिखाने वाली हूँ हमारे यहाँ का जो चंबल का जंगल है, ये पिनाहट गस्पा पड़ता है। जब हम लोग 30 साल पहले यहाँ पे आए थे पिनाहट में, तो यहाँ का जंगल जो था बहुत ही हरा भरा था। और आप देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पेड़ नाम की तो चीज़ है ही नहीं है। जंगल जहाँ तक देखो तुम्हें कहीं कुछ भी नहीं दिखाई देगा। औरतों ने, लोगों ने, यहाँ की जो आबादी है, वो जो ग्रामीण लोगों ने सारा जंगल काट के रख दिया है। ऐसा है प्रकृति को बिल्कुल ही नष्ट करके रख दिया है। एक पेड़ नहीं है, उसको बोलते हैं ना कि जड़ के ऊपर से काट लो पेड़, वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, पर लोगों ने यहाँ की जड़, जो पेड़ का जड़ होती है ना, वो भी निकाल के फेंक दिया है, वो भी घर में अपने ले गए जलाने के लिए। और अब वो जड़ ही नहीं है तो आगे पेड़ पौधा उपजेगा कहाँ से? अब जड़ नहीं है तो पेड़ पौधा कैसे उपजेगा, ये इन लोगों को पता ही नहीं है। अब ये लकड़ी के लिए भी परेशान होते रहते हैं। देखिए कहीं अब जंगल में लकड़ी नहीं है तो क्या करोगे? अब सारे तुमने लकड़ियों को गड्ढे बना बना के खोद लिया, अब क्या होगा? प्लीज़ ये वीडियो जो भी देखें तो शेयर करें, सब कमेंट करें कि प्लीज़ जंगल को कोई ना काटे, प्रकृति को नष्ट ना करें प्लीज़। देखिए कहीं आपको, ये तो गांव है, गांव की वजह से थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है, और आगे से तो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। देखो कहीं भी पेड़ पौधे नहीं है। वो किसी दिन मैं जाके जंगल में और बनाऊंगी वीडियो, देखना आपको कहीं भी पेड़ नहीं नज़र नहीं आएंगे। प्लीज़ भगवान ने अगर हमको अच्छा कुछ दिया है तो उसको नष्ट ना करें। अगर हम इसमें नेचर में रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलते हैं, सब कुछ देखने को मिलता है। वो कुछ भी जो नहीं रहा है इसमें, कुछ देखने लायक नहीं है, प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें। नमस्कार दोस्तों, अगर कोई मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।